सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं विश्व रत्न और हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उनको नमन करता हूं, जिनके बनाए हुए देश संविधान से मेरे देश का शासन और प्रशासन चलता है। उसके बाद मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो हमारे पीसीसी के चीफ हैं और हमारे ऊर्जावान युवा नेता एनएसयूआई के पूर्व प्रेसिडेंट अभिषेक चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब से झोटवाड़ा विधानसभा बनी है उसके बाद पहली बार एससी समाज का कोई अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, यादव समाज का अध्यक्ष बनाया है। मैं पहले भी संगठन महामंत्री रहा हूं और अभी उन्होंने मुझे नई जिम्मेदारी दी है, तो मैं हमारे जो युवा नेता उन्होंने 6 महीने पहले से ही ये प्रोसेस चालू कर दिया है कि पूरे देश में एक मिसाल कायम कर दी है। हम हर महीने की लास्ट संडे को एक मीटिंग करते हैं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में, जिसमें आम कार्यकर्ता आता है और उन सब की जो दिक्कतें हैं, हम पार्टी को कैसे मजबूत करें, पार्टी को कैसे आगे लेकर के जाएं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और ये एक जो तरीका हमारा है, हम फिर ब्लॉक मीटिंग भी चालू करेंगे, अभी मंथली चल रही है, हम वीकली भी चालू करेंगे, उसके बाद हम जो है ब्लॉक की मीटिंग के बाद हम और मीटिंग करेंगे, आम टू आम मीटिंग करेंगे, पंचायत समितियों में जाएंगे, ग्राम पंचायतों में जाएंगे, और जो हमारा कांग्रेस की जो पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए हम हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, हमारे जो पुराने साथी हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग जो थे जो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो एक व्यक्ति विशेष के जो लोग थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कचरा साफ हो गया है। तो हम इस पार्टी को जो बचे हुए लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और इसको हम बहुत ही जोरदार तरीके से पुनर्जीवित करेंगे। हमारा जो रिजल्ट रहा अभिषेक जी का जो रिजल्ट रहा विधानसभा में वो काबिले तारीफ था, क्योंकि हम थोड़ा सा पिछड़ इसलिए गए कि उनको टिकट ही बहुत एंड मौके पे 10 दिन पहले मिला और फिर भी हमने मेहनत करके 1 लाख वोट जो हमने प्राप्त किए कांग्रेस पार्टी ने, वो हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोकसभा में तो हम जीत ही गए थे, हम हारे नहीं, हमें हराए गए थे। और अब हम जिस हिसाब से, मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मैं पहले BSNL में असिस्टेंट डायरेक्टर था और मोदी जी के सताए हुए के कारण से हमने वो डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ा, शायद आप सब लोगों को पता होगा। सर, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है संगठन को आगे कैसे लेकर के जाएंगे, और तो आप इसको कचरा बता रहे हो, उस कचरे के साथ आप भी दुपट्टा पहन के बीजेपी चले गए थे, बीजेपी जो सर दोनों जो लोग हैं, और तब आपको बना दिया, तब आप करें पार्टी मजबूत करेंगे लोकसभा में 80-82 हजार से कांग्रेस पार्टी। सर, मैं, मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं है जिसका आप दुपट्टा का नाम दे रहे हो, आप लोगों के पास आपसे पूछ हाँ, बताएं वो दुपट्टे वाली बात। देखो, ऐसा है कि व्यवहार आदमी का होता है और ये किसी दूसरे कारण से गए होंगे तो इनको दुपट्टा तो लोगों ने वहां खड़ा पहना करके फोटो खींच ली, ये आदमी, और उसमें कई फोटो एडिटेड फोटो हैं, तो अभी भी बहुत सारे, अभी काफी सारे लोग बाग आपस के व्यवहार के कारण जाते हैं, इनका जो है ना इस तरह का कोई मानस नहीं है, अभी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथ समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी वो, तो लोगों ने, क्योंकि हर जगह आदमी के विरोधी होते हैं, उन्होंने फोटो एडिट करके डाल दी उस पर। आपके लोग भी कह रहे हैं कि जिस मुखिया जी ने लालचंद जी के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, वो लोग उन्हें पढ़ाए गए तो वो पार्टी रुकने की बात। सर, बुनकर जी ने नहीं, मेरे बुनकर जी का तो कोई नाम नहीं है उसमें, मैं मांगेलाल बुनकर हूँ। हाँ, आप यादव जी आप है, मेरा नाम नहीं है उसमें, मैं तो BSNL में से रिटायर होकर के आते ही मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। यादव जी की एडिटेड फोटो है उसमें। बताएं यादव जी, बोले बताएंगे। तो भी से कांग्रेस पार्टी में था, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मंत्री साहब लालचंद कटारिया था पहले में, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी,
तो मेरे को मीटिंग के बहाने बुलाया गया वहाँ ऑफिस में, लालचंद कटारिया जी के ऑफिस में। तो मेरे गले में दुपट्टा डाला उन्होंने। फिर मैंने बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करी, मैंने तो वहाँ से वापस आ गया मैं। कांग्रेस का बीजेपी का तो क्या पहनाया गया था सर ऑफिस में। बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये इनकी चार पीढ़ी जो है ना वो कंटिन्यू कांग्रेस में। देखो हर आदमी के परिवार में भी विरोधी होते हैं, तो इनको बदनाम करने के चक्कर से ये जो चीजें हैं ना वायरल करी जा रही है। हो सकता है हमारी पार्टी के कुछ लोग होंगे तो अभी भी उनके जो आदमी पार्टी को छोड़ करके चल गए, कुछ अवशेष बाकी हैं, तो वो लोग बाग उनको परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें उछाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले भी पार्टी के लिए समर्पित थे और आज भी हैं। और हर कार्यकर्ता के साथ हर मीटिंग में, जो हमारी मंथली मीटिंग चल रही है उसमें ये अवेलेबल होते हैं और लोगों के साथ अवेलेबल होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये जो केवल अफवाहें हैं, पार्टी के साथ मजबूती से काम करेंगे। संगठन को किस तरह मजबूत करेंगे? मैं पहले से ही संगठन महामंत्री रहा हूँ, इसमें ब्लॉक अध्यक्ष तो मुझे अभी बनाया गया है। BHNL में डायरेक्टर था, तो मैं पब्लिक डीलिंग करता था, तो मैं पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। हम करीब 7 महीने पहले से हमने मीटिंग चालू कर दी है। हम मंथली मीटिंग करते हैं और वहाँ आम कार्यकर्ता को बुलाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, संगठन को कैसे मजबूत करते हैं उसके बारे में चर्चाएं करते हैं और कैसे कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा करके हम मजबूती के साथ संगठन खड़ा करेंगे। अभी तो हम बनाए गए हैं, तो हम ब्लॉक के चुनाव भी कराएंगे, मंडल के कराएंगे, कार्यकर्ताओं को ट्रेस करने का हम काम कर रहे हैं। उसमें एक रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, सर कार्यकर्ता की जो है ना राय उसमें लेते हैं, कौन रेगुलर आ रहा है उसके नंबर होते हैं, हम उनसे टच में रहते हैं, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा जो युवा नेता है अभिषेक चौधरी जी, वो एक मिसाल, मैंने आपको पहले भी बताया, पूरे देश में एक मिसाल है। हम मंथली मीटिंग कर रहे हैं, शायद जीता हुआ कोई भी प्रत्याशी भी नहीं कर रहा, हम हारे हुए हार कर ही कर रहे हैं। हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे, अच्छी मतलब टीम बनाएंगे। क्या रणनीति होगी आपकी? वार्डों में वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, मंडल अध्यक्ष बनाएंगे और युवाओं को ज्यादा ज्यादा नया जोड़ेंगे हम। मंडल अध्यक्ष आपके हैं क्या संरचना? नहीं ऐसा नहीं है सर, हमारे मंडल अध्यक्ष भी होते हैं। बिल्कुल मंडल अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष भी होते हैं, वार्ड अध्यक्ष भी होते हैं। किसी के अध्यक्ष से मिले हो आप अमरावती? कितनी दफा मुलाकात करी आप? लेकिन साल भर में नहीं, साल भर के अंतराल में चुनाव में उनसे 3-4 दफे मिल लिए सर जी, उनका मैंने स्वागत भी किया था। अभिषेक के अनुसार बनाएगा आपको मेरे कार्यों को देख के, काम को देख के। तो भाजपा में किसी से मुलाकात नहीं हुई क्या बड़े स्तर पे? नहीं किसी से नहीं मिली। तो नाराजगी के तहत आप वापस आ गए, तो जाना आ गए तो देखा होगा चलता रहता नॉर्मल है, लेकिन कोई ऐसा कुछ ऐसी घटना घटी हो जो आप पहले तो चले गए नहीं 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 वापस आ गए? नहीं सर कुछ नहीं, नहीं हुआ इसको कुछ नहीं, किसी नहीं। आज से कांग्रेस में हुआ? नहीं कांग्रेस नहीं था, हमारे साथ 3 पीढ़ियां कांग्रेस ही थी और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।